हे गाइस, सो आज मैं मेरे चैनल पे दाल तड़का बनाने वाली हूँ। ये धावा स्टाइल का दाल तड़का है गाइस, सो यू कैन सी हियर। यहाँ पर मैंने मसूर डाल लिया है। लोग अरहर डाल या फिर मिक्स डाल भी लेते हैं, बट या नो इशू, आप जो दाल भी खाते हो वही ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीफ मैंने चॉप करके रखा है, या टमाटर है जो मैंने चॉप करके रखा है बारीक पीस में, और यहाँ पर लहसुन और आधा पेस्ट है, ये प्याज मैंने चॉप करके रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा हरी मिर्च जो है उसे मैंने थोड़ा सा पेस्ट किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पेस्ट करके यहाँ रखा है, और यहाँ पर मैंने 3 होल हरी मिर्च लेके रखे हैं। और अभी मैं ये इस दाल को मैं बॉयल होने के लिए प्रेशर कुकर में डालूंगी। सो या और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ देन शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। सो या चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये मसूर दाल को कुछ टाइम भिगो के रखा था, सो अभी मैं ये इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। डाल के इसे मैं बॉईल होने दूंगी, 2 से 3 व्हिसल आने के बाद मैं उसे उतार के रख दूंगी। ज़्यादा बॉईल ना होने से भी चलता है गाइस, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप कहीं पर भी, मतलब फ्राई पैन या फिर कहीं पर भी आप उसको बॉईल के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन प्रेशर कुकर में ज़्यादा जल्दी होता है, सो इट्स कन्वीनियंट, इट्स मोर कन्वीनियंट। तो चलिए, सो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में सारे दाल को ले लिया। अभी इसमें थोड़ा सा मैं तो नमक यहाँ पर अनुसार मैं थोड़ा मेरे सा स्वाद सॉल्ट अनुसार ऐड नमक डाल रही हूँ, तो आप भी अपने स्वाद अनुसार ही करके, नमक डालना, ठीक है? उसके बाद मैं इसमें टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगी। अभी मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर दूंगी। बस हो गया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे बॉल में डाल दूंगी। यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया है, और अभी मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। ये मेरा दाल बॉयल हो चुका है, ये मैंने 3 जार व्हिसल के बाद मैंने इसे उतार के रख दिया है। मेरा दाल बॉयल हो चुका है, अभी मैं इसे इसका जो दाल का जो तड़का है, पहले तड़का बनाऊंगी, इसके बाद मैं वो करूंगी दाल तड़का ठीक से कैसे बनाते हैं, एक के बाद एक मैं रेसिपी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा ये फ्राई पैन गर्म हो चुका था, और यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तो मैं ये थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी तड़के के लिए। और ये मस्टर्ड ऑयल लेने के बाद ये तेल को मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। गर्म होने के बाद धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें प्याज को छोड़ दूंगी। मेरा प्याज और यहाँ जो टमाटर है वो टमाटर को भी मैं छोड़ दूंगी। इस सब मैं इसे फ्राई होने के लिए दे दूंगी, ठीक है? इसे मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। और गाइस, प्याज को थोड़ा फ्राई करना अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा लाल लाल हो जाए फिर आपका अच्छे से फ्राई हो गया, ये समझ लेना, ठीक है? और इसमें अभी हम डालेंगे धनिया पाउडर, और मिक्सचर जो है मैंने रखा था वो जिंजर और गार्लिक का, वो मिक्सचर भी से अभी डालेंगे, ठीक है? आप चाहो तो इसमें क्यूमिन छोड़ सकते हो थोड़ा सा, बस
ये होल क्यूमिन सीड है, पाउडर नहीं है, बी श्योर। डाल दिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। हमारा धनिया पाउडर अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसे डीप फ्राई मोड में डाल दिया है मेरे इंडक्शन को। सॉरी गाइस, मेरे से गलती हो गया। आपको पहले ही इसमें आपको सूखा मिर्च जो है उसे डालना था फर्स्ट, जब आपका ऑयल जब गर्म हो चुका हो इसके बाद ही आपको सूखा मिर्च डालना है, ठीक है। मैंने बाद में डाला है सूखा मिर्च, सूखा मिर्च अच्छा एक फ्लेवर लाता है, तो हर चीज़ में इसलिए हम लोग सूखा मिर्च डालते हैं। उसे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये रहा मेरे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने करके रखा था, इसे मैंने छोड़ दिया है। और ये मिर्ची का पेस्ट है, थोड़ा सा ही मैंने डाला है इसमें मिर्ची का पेस्ट, क्योंकि उसमें मैंने दाल बॉईल के टाइम मैंने उसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला था, तो दैट्स व्हाई अच्छी स्मेल भी आ रही है गाइस, फीलिंग टू ईट। अच्छी तरीके से इसको हम फ्राई कर देंगे। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, मेरे जो प्याज है वो भी अच्छे से लाल हो चुका है फ्राई होके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम वो दाल जो बॉईल करके रखा था उसे हम इसमें छोड़ देंगे। और ये रहा हमारा दाल। ये रहा हमारे दाल, इसे हम थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए बस पकने के लिए यहाँ छोड़ देंगे, फिर मिलते हैं। ये हमारा दाल अभी पक रहा है, इसमें हम थोड़ा सा धनिया जो मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे फ्लेवर के लिए। देखिए धनिया, ये दाल बहुत गाढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा थिक है। लुक एट द कंसिस्टेंसी गाइस, और अभी हम इसमें तीन हरी मिर्च भी डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये होते होते हम तड़का बना लेंगे जो हम दाल पे डालने वाले हैं। हमने तड़का, तड़के के लिए इसमें थोड़ा सा घी डाला है। घी डालने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा जीरा इसमें डालेंगे ताकि दोनों साथ में पक जाए। और इसमें हम थोड़ा सा तड़के का फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हींग
डालेंगे, ठीक है। ये रहा हींग, तो यहाँ फिर से थोड़ा सा हींग डाल दूंगी मैं, थोड़ा डाल के फिर इसको इसमें हींग भी डाल दिया है। और ये मेरा घी अच्छे से पक चुका है, आई मीन गर्म हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, तड़के को दाल में दे देंगे, ठीक है। अब देख सकते हो पहले पका हुआ दाल मैंने फिर से प्रेशर कुकर में डाल दिया था। अभी मैं इस तड़के को इसके ऊपर ऐसे छोड़ दूंगी। और जो धनिया था मेरा बाकी, धनिया को मैं इसके ऊपर ऐसे ही गार्निश के लिए छोड़ दूंगी। देख सकते हैं आप अच्छे से ये गार्निश हो चुका है। ये हमारा दाल तड़का बन के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हो ये देखने में बहुत ही यम्मी टेस्टी लग रही है। और अगर इसको आप एक तड़का बनाना चाहते हो तो सिंपली आप इसमें बस एक ऐड कर दो और बन गया आपका एक तड़का। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू सो मच गाइस। और आप हैरान मत होना मैंने ये क्या लगाया, ये शावर कैप है। मैंने इसको को लगाया है बिकॉज मैंने स्पा किया है, आज संडे है, सो इट्स माई स्पा टाइम, माई बॉडी पैम्पर टाइम गाइज। अगर आपको मेरे हेयर के रूटीन देखना है तो ज़रूर बताना गाइज, आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल। एंड ये मेरे दो पिम्पल्स आ गए हैं, इट्स माकनी एक्चुअली। सो माकनी क्या होते हैं, मास्कनी यू नो ऐसे पिंपल्स है जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको मास्क यूज़ करने के बाद जो होते हैं। सो मास्क नहीं गाइस, कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 hours मास्क पहन के रहना पड़ता है क्योंकि मैं ड्यूटी आवर्स में मुझे मास्क पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, वो भी डबल मास्क गाइस। सो पैथेटिक एनीवेज। और मैं एक्चुअली आज ये दिखाना चाह रही हूँ, ये है मेरे वो बूंदी लड्डू है। ये हल्दीराम का है गाइस। मैंने इसे ना ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। सो ये देख सकते हो आप। सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने दो बॉक्स ऑर्डर किया था, एक ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर दिया है गाइस। आई डोंट नो, शायद मुझे ये पिंपल्स मिठाई खाने की वजह से भी हो रहा होगा, आई डोंट नो। एंड और एक चीज़ मुझे दिखाना था, ये है दिस चाउस गुरपाड़ा, दिस अ यम्मी 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 यू नो स्नैक्स फॉर टी टाइम। सो यू कैन चेक इट आउट। मैं बहुत सारे काफ़ी सारे फूड्स वगैरह फूड्स बेवरेजेस ले रही हूँ फ्रॉम अमेज़ॉन में ऑर्डर कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सारे खाने। अगर आपको देखना है मेरे फूड एंड बेवरेजेस ऑल, देन लेट मी नो गाइज, आई वुड लव टू शेयर विद यू। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्रैंड न्यू वीडियो गाइज। लव यू।